अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। आइए आज हम आपको शामी कबाब बनाना सिखाते हैं, चिकन शामी कबाब। तो उसके लिए हमें आधा किलो चिकन लिए और ये देखें लहसुन की एक गट्ठी और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक प्याज और ये सारे गरम मसाला और ये साबुत मिर्ची थी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है ताकि ये फिर पीसने में परेशानी करती हैं चॉपर में। तो ये सब चीज़ें और ये गरम मसाला आप मैं पीस लूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और ये देखिए ये 1.25 किलो ना चिकन ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट डालूँगी इसके अंदर डाल के। अभी मैं धोकर सब चीज़ करके आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये मैंने दाल धो ली है और 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और अदरक लहसुन मोटा मोटा कूट लिया है, अब ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके बाद ये हमने एक जो प्याज ली थी वो प्याज डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो हमारे स्पाइसेस ये डाल दिए और ये गरम मसाला जो साबुत आपको दिखाया था वो पीस लिया है, ये डाल दिया। और ये देखें चिकन बोनलेस 1.25 किलो के आसपास ये डाल दिए और इसको बॉईल करेंगे हम। अब जब ये बॉईल हो जाएगा गल जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये मैंने ना बस सिर्फ बॉईल हो गया था तो मैंने इसको ना बाहर निकाल के चने की दाल और चिकन गल गई थी, ये देखें दिखा, इससे मैंने डंडे से ना इसको कुचल लिया था बस ताकि ये रेशे वाले हो जाएंगे। तो ये मुझसे थोड़ा सा ना क्लिप मिस हो गया था तो इसलिए। ये देखिए अब ये हरा धनिया हरी मिर्चें ये इसमें मिलाएंगे और फिर कबाब तैयार करेंगे। अब तलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। ये देखिए अब मैं कबाब बना रही हूँ, माशाल्लाह से इतने सारे बन गए हैं। अभी ये थोड़ा सा रह गया है बेटर, तो मैं सारे तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल। देखिए ये सारे कबाब मैंने बना लिए और ये मैंने 4 अंडे फेंट लिए, 4 अंडे फेंट के और तवे पे तेल डाल दिए और अब मैं ये फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। और अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी लगा सकती हैं, नहीं तो ऐसे ही अंडे में ही फ्राई कर लें। ये देखिए जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप दूसरी तरफ से पलट लीजिएगा। ये अभी मैंने ब्रेड क्रम के बगैर लगाए हैं और ये ब्रेड क्रम में एंड के मैं थोड़े से कबाब आपको इसके भी तल के दिखाऊंगी। देखिए आइए तो फाइनल लुक देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह से इतने अच्छे तैयार हुए हैं, जायके में भी बहुत अच्छे हैं। खाइएगा अपनी फैमिली के लिए, बनाइएगा सबको खिलाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया।